आज मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ कि ये क्यों बनता है और कैसे बनता है। पहले तो बताइए, ये बता दूँ कि ये कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए बनता है, जो आपको जैसे क्वेश्चंस में कुछ एग्जांपल में दे देंगे, शॉर्टेजेस वगैरह ये दे, तो उस केस में बनेगा। तो ये पहली बात, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स के लिए है ब्रांच की, और ये नॉमिनल होता है इन नेचर। जैसे आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट ऐसे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इसका जो नेचर रियल नहीं है, नॉमिनल नेचर है इसका। तो अब इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वो जो आपने ट्वेल्थ में इलेवंथ में ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाए थे, वैसे भी उसी सेम वाला पार्ट है ये। जैसे यहाँ पर ऊपर निकलेगा पहले पार्ट वन में जीपी या जीएल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर पार्ट टू में निकलेगा या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन होके फिर आपका लास्ट में निकलता है इसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसमें जो पार्ट वन में आती है वो चीज़ें, वो ये आती हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट होता क्या है, जिसमें आपका रिजर्व करने के लिए जो आपने कुछ स्टॉक रिजर्व करा हुआ है। फॉर एग्जांपल, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द एंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इनवॉइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो और जो अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। सेम गोज़ विद द नेक्स्ट हैंड साइड। स्टॉक रिजर्व अकाउंट यहाँ पर जो है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है उस पे आएगा, ओपनिंग स्टॉक पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है उस पे आपका स्टॉक रिजर्व अकाउंट निकलेगा। फिर है अगला आपका शॉर्टेज और लोड। अब शॉर्टेज आपका निकलता है लोड पे, लोडिंग प्राइस जिसे हम लोडिंग कहते हैं उस पे निकलता है। फिर आता है आपका गुड्स रिटर्न टू बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब या तो भाई ब्रांच ने जो है गुड्स कुछ वापसी कर दिए हैं अपने हेड ऑफिस के अंदर, तो वो डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से तो बंद ही हो जाएगा वो, हमारा जो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होने पर डेबिट हो जाती है, तो इसलिए ये लाइबिलिटी कम हो गई हमारे पास। गुड्स जो हमारे पास पहले आई थी, तो अब ये लाइबिलिटी कम होगी तो भाई अब वो डेबिट हो जाएगा। सेम अब इसका, इसमें सिर्फ यही कुछ चीज़ें हैं जो आएंगी आपकी। फिर आपकी जो मतलब नेक्स्ट हैंड साइड पर वो आपका है प्रॉफिट एलिमेंट इन द गुड्स इनवॉइस। अब इसका मतलब ये है कि जो गुड्स आपके इतना जितना आया हुआ है उसका प्रॉफिट निकलेगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा। अगर लॉस निकलता है तो वो डेबिट साइड पे आता है, अगर वो प्रॉफिट निकलता है तो नेक्स्ट हैंड साइड पे आता है। फिर वो नीचे बैलेंस पार्ट टू में जो है ब्रॉट डाउन हो जाएगा अपने अपने बैलेंसेस के हिसाब से। और जो पार्ट टू में आती चीज़ें, जैसे कि डेबिट साइड में पार्ट टू में आएगा आपका बैलेंस इन ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट जो है आपका, आपका ये भी एक ब्रांच एक्सपेंस जो ब्रांच के अपने खर्चे करता है तो उसके भी अकाउंट बनाता ही है, तो उसका जो खर्चा है वो डेबिट साइड में आ जाएगा जो उसका बैलेंस होगा। फिर आएगा आपका शॉर्टेज के जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, कॉस्ट एलिमेंट के ऊपर है, जो आपका शॉर्टेज के ऊपर कॉस्ट एलिमेंट में, आई रिपीट कॉस्ट एलिमेंट शॉर्टेज का, ये पार्ट टू में आएगा। पार्ट वन में आएगा शॉर्टेज वो है लोड वाला। तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंस हैं। और इसके नेक्स्ट साइड पे पार्ट टू के एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आपका वही होता है जैसे आपने दुकान में आग लग गई या गुड्स जल के राख हो गए, तो वो लॉस बाय फायर है। तो इसका मतलब ये है, तो इंश्योरेंस का आपने करवा रखी है और आपको करवाए रखी है, तो आपने ब्रांच है ऑब्वियसली हेड ऑफिस है, तो आपने इंश्योरेंस करवा रखी है, और आपने अगर इंश्योरेंस करवा रखी है तो आपको पैसा भी मिलेगा जलने के बाद, और जब जलने के बाद पैसा मिलेगा तो आपका क्रेडिट साइड पे आपका यहाँ पर पार्ट टू में रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर जो आपका टोटल ऊपर नीचे कार्ड पीट के जो आप डेबिट माइनस क्रेडिट करते हो उसमें अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा आता है तो भाई आपका नेट लॉस, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो आपको नेट प्रॉफिट। तो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसे बनता है और इस केस में बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।